शहर नांदेड़ की मशहूर मस्जिद ख्वाजगा निजामी कॉलोनी में आसान पयामत सेंटर के तारुफी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस कैंप से सैकड़ों सरपरस्तों ने राबता हासिल करते हुए अपने लड़के और लड़कियों के बायोडाटा आपस में तकसीम करते हुए इस्तेफादा हासिल किया। पिछले 10 सालों से आसान पयामत सेंटर शहर नांदेड़ में अपनी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मुस्लिम माशरे में कुंवारे लड़के और लड़कियाँ के अलावा तलाकशुदा खुला लिए हुए लड़के और लड़कियों के रिश्ते जोड़ने में आसानी करना इस तंजीम का अहम मकसद है। अलहाज करामतुल्ला खान उर्फ कम्मू सेठ और उनके साथी 2013 से इस खिदमत को मुफ्त में अंजाम दे रहे हैं। कुछ हफ्तों से इन्होंने मस्जिदों के बाहर तारुफी प्रोग्राम मुनाकद करने का फैसला लिया। इसी के चलते मस्जिद ख्वाजगा निज़ाम कॉलोनी में आसान पयामत सेंटर का तारुफी प्रोग्राम मुनाकद किया गया। इस तंजीम में कम्मू सेठ के हमरा खिजर खान, अकबाल अहमद खान, शेख हमीद सर, पाशा मियाँ फारूकी, शेख जिलानी, असद खान सर, शेख मोइन, इमरान खान बिलोलीकर भी शाना बशाना अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। इस तंजीम का मकसद माशरे में मतलब रिश्तों को आसानी मुहैया कराना है। आसान पयामत सेंटर आज से 10 साल से हम इसमें खिदमत कर रहे हैं। अब जो हमने नया प्रोग्राम रखा, इससे पहले हम गोल्डन फंक्शन हॉल के अंदर भी एक प्रोग्राम लिए थे और उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको फ़ायदा हुआ। और इसके बाद में हैदर अनवर गार्डन में भी एक प्रोग्राम लिए थे, उसमें बहुत सारे औरतें लेडीज़ आके जो बच्चों के फ़ोटो बायोडाटा तलाकशुदा वो भी हमारे पास बहुत सारे रिश्ते हुए। फिर उसके बाद में हमने एक नया काम चालू करे कि भाई 1920 मस्जिद लिए आसरा नगर, पीरवान, बीएनसी कॉलोनी, चेतन नगर, सुमैया कॉलोनी, ऐसे 20 मस्जिद, शोभा नगर, ताजनगर, ऐसे पूरे लेके हमने जो लोगों को इत्तला देने के बाद में जब यहाँ पर लोग लेडीज़ जेंट्स वगैरह आके हमारे पास अभी 100-150 फ़ोटो बायोडाटे जमा किए और वो हम सबके फ़ोटो बायोडाटे जमा करके ऐसे हर 20-20 मस्जिद पकड़ के हम ये ग्राउंड काम करने वाले हैं। और इसके सबको उसका बेनिफिट चाहिए। बेनिफिट ये है कि भाई लोग परेशान हैं रिश्तों के लिए, भाई कहाँ जाएंगे, कहाँ बताएंगे, तो इसलिए हम ये छोटे से हर मस्जिद के सामने बैठ के हम ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें लोगों को इसका फ़ायदा होगा और हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि भाई आसानी से लोगों का काम हो जाना चाहिए। फी सबीलिल्लाह मुफ्त में हम जो है फ्री में काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से पूरा काम अंजाम दे रहे हैं। इसी में किसी का ये नहीं है, एक पैसे का ये नहीं है। जो भी हम हर चीज़ हमारी तरफ से उनको मुहैया कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनको बुला के हम उनसे मुलाकात करा के उनसे घरों का एड्रेस भी देते हैं और बोलते हैं भाई तुम आपके हिसाब से उनके मालूमात ले लो, यहाँ से आप फ़ोटो ले लो, बायोडाटा ले लो और उनका कांटेक्ट करो और आप उनकी तहकीकात करके फिर बिस्मिल्ला करो। ये हमारा काम चढ़ा 11 साल हो गए, अभी 2013 से चालू करे, 2024 हो गए, 11 साल से हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शहर में यहाँ से ताल्लुक़ में भी हमारा एक प्लान है कि हर ताल्लुक़ में हम प्लान करने वाले और अभी हमारे पास तकरीबन हैदराबाद, निज़ामबाद, कामारेड्डी, जगतियाल, पूना, यहाँ के बच्चों के फ़ोटो बायोडाटा वाले, औरंगाबाद, परभनी, लातूर, जिंदूर, निज़ामबाद, ये तकरीबन ये पूरे शहरों के हमारे पास फ़ोटो बायोडाटा आके रहे हैं। और उसका हम उनको हर एक जैसा चाहिए बच्ची, जैसा कोई डॉक्टर है डॉक्टर के हिसाब से बता रहे, कोई इंजीनियर है इंजीनियर के हिसाब से बता रहे, जो बच्ची एजुकेटेड ज़्यादा है उनको बच्चा एजुकेटेड होना वो हिसाब से, जो अनपढ़ जाहिल है वो अनपढ़ के वास्ते भी अलग रखे, एक अलग अलग सेक्शन रखे कि भाई जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं कम पढ़े वालों के वास्ते अलग रख दी, जो मैट्रिक पास है मैट्रिक का, 12वीं का है 12वीं का, और जो अनपढ़ है बच्चियाँ उनका भी हमने अलग एक सेक्शन बनाया। तो इसलिए हमारे को उससे बहुत सारा लोगों को उसका फ़ायदा भी हो रहा है। लोगों से क्या अपील है लास्ट में शॉर्ट? लोगों से ये अपील है कि भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हमारे से फ़ायदा उठाइए बस। सेंटर के हमारे डायरेक्टर कम्मू सेठ करामतुल्ला खान, इन्होंने 2013 से ये सेंटर चला रहे हैं। माशाल्लाह से हमारे पास क्या कैटेगरी वाइज हम फैज तैयार किए हैं, 12वीं ग्रेजुएट, बी एड, डी एड, इंजीनियर, डॉक्टर, ये लड़कियां लड़के अलग अलग फाइल्स हैं हर इसके कैटेगरी वाइज। और ये माशाल्लाह से हम क्या है फी सबीलिल्लाह यानी मुफ्त में काम करते हैं सब लोग। और हमारे पास क्या है खिदमत गुजार क्या है, हमारे 6-7 लोगों का ग्रुप है और वो सब खिदमत करते हैं, क्या है सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट में। और हम लोग क्या है सब रिटायर्ड है, हमारे क्या है हेडमास्टर्स है, ऑफिसर्स है, ये सब हम रिटायर्ड लोग हैं यहाँ खिदमत दे रहे हो। और कम्मू सेठ का बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है, ये जो भी अखराजात वगैरह जो होते हैं ये करामतुल्ला सेठ यानी कम्मू सेठ करते हैं, हम लोग सिर्फ उनको
मदद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये लड़के लड़कियों के रिश्ते हो जाना चाहिए बोलकर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह शहरी भाग में तो लेने वाले हैं और ताल्लुकों पर भी जाने वाले हैं ग्रुप बनाकर। और ये क्या है, हाँ, और ये क्या है, टीम वर्क है, सब मिलकर कर रहे, किसी एक का नहीं है। हमारे क्या है, सपोर्टिंग कम्मू सेठ की है और सब लोगों का साथ है। वर्कशॉप आसान पायामत सेंटर वर्कशॉप पेट्रोल पंप सिंचन भवन के सामने। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान पायामत के सेंटर की जानिब से आज ये प्रोग्राम रखा गया है। 2013 से ये प्रोग्राम चलता है। इसके बानी जो है अलहाज करामतुल्लाह खान साहब उर्फियत कम्मू सेठ है और इसका मरकज़ सेंटर जो है आसान पायामत का सेंटर वर्कशॉप रोड नांदेड़ और सब सेंटर भी है इसका जिक्रा ज्वेलर्स बरकी चौक इतवारा बाज़ार नांदेड़। यहाँ पर पिछले 2013 से चल रहा है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के शादियों का इंतखाब किया गया है। इसी के साथ साथ अन करीब हमारे कम्मू सेठ की एक ख्वाहिश है कि आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड भी बनाने के ताल्लुक से वो सोच रहे हैं। हम अवामुन नास से दुआ करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि वो हमसे रुजू हो जाए और अपने अपने लड़कियों के लड़कों की शादियों के लिए मुनासिब रिश्ते तय करने के लिए हमारे से जुड़ जाए। इसी के साथ साथ मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि कम्मू सेठ को जो है अल्लाह ताला इसी तरह के काम लेने की सलाहियत अता फरमाए और उन्हें आला से आला इसका अजर सवाब देने दें। अल्लाह से हम दुआ करते हैं। अल्लाह हाफिज़। बरकातो मैं जो है आसान पयामत सेंटर जो कम्मू सेठ चलाते हैं तो हमारी जो है एक टीम है और ये सब मिलकर जो है ये काम थी सभी ला करते हैं। तो मैं आवाम से इतनी अपील करता हूँ कि जो है सब आकर अपने बच्चों के फ़ोटो बायोडाटा उसके साथ साथ जितने भी तलाकशुदा है जितने भी खुलाशुदा है इन तमाम के लाके हमारे पास जमा करिए और इससे जो सो फ़ायदा उठाइए। खुदा हाफिज़।